अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम लोग, मैं थोड़ा सा कम हूँ तो इसलिए आज मेरा कंटेंट अलग है। आज मैं शॉपिंग करने जा रहा, तो आज हम लोग आप लोगों के साथ, मेरी अम्मा मतलब खाना बनाते तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है गाइस? तो गाइस, मेरा थोड़ा रूटीन जो है वो मतलब मुख्तलिफ है, तो इसलिए मेरा इवनिंग शिफ्ट का मेरा ट्यूशन स्कूल है, उसके बाद मेरा ट्यूशन होता है, तो मुझे कम से कम आठ बज जाते हैं मुझे, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो आज के फिर हम लोग यही है, फिर कल हम लोग शॉपिंग में जाएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है गाइस? तो गाइस, अब जैसे कि हमारी रेसिपी शुरू हो चुकी है, तो अब सब कुछ रेडी है, अब जल्दी से हम लोग मसाले डालते हैं। एंड अभी तक मसाले डल रहे हैं, थोड़ा बहुत प्याज व्याज डाली है। एंड गाइस, ये वीडियो तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मम्मा तो कुकिंग कर रही हैं और वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल जैन अब्बास को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मसाला भी भुन रहा है, तो जल्दी जल्दी बस कर देखते हैं क्या करना है। इसमें कुटी मिर्चें डालेंगे हरी, एंड हमारा मसाला भी भुन चुका है। अगर आपको ये वीडियो ये रेसिपी आती है तो आप उसे घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। एंड जल्दी से हम अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, और ये लहसुन अदरक जो है पिसा हुआ, ये ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा अपना पहले का रखा हुआ डाल दिया तो रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी, मतलब टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो अब हम लोगों ने टमाटर भी डाल दिए हैं, वैसे आप लोगों की मर्ज़ी, टमाटर डालें ना डालें वो आप लोगों की मतलब उस पर रहता है, डिपेंड रहता है आप पे। तो और ये पुलाव तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे मैं अक्सर बनवाता हूँ और आज भी मेरी पसंद बना है। तो गाइस, मसाला भुन रहा है एंड मटर भी डाल दिया है, मटर पुलाव बन रहा है। एंड देखते हैं। तो गाइस, अब जैसे ये बस मसाला वसाला भुन रहा है, तो अभी हम लोग चावल भी डालेंगे। आपने वीडियो को आगे पीछे नहीं करना, सारे स्टेप्स फॉलो करने, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। आपने स्टेप मिस किया तो आप लोगों की रेसिपी ख़राब हो सकती है। अब हम लोग चावल डाल दिए इस पर, एंड अब इसको देखते हैं, नमक ऐड करें इसमें, एंड दो चम्मच नमक छोटे वाले, और ये देखें हमारा मटर पुलाव जो है वो तैयार बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस, बहुत लजीज है, एंड अब इसको निकाल के देखते हैं। मुझे सब्र नहीं हो रहा कि बस मैं, मेरा दिल चाह रहा है बस मैं उठा के खा लूँ। तो धुआं भी बहुत ज़्यादा है, गर्म है बहुत ज़्यादा। तो कैसी लगी आप लोगों की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब वीडियो का एंड अब कर देते हैं, तो ये देखें गाइस, अल्लाह हाफिज़।